नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएल यानी कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग मैच नंबर 35 के बारे में, जो कि होने जा रहा है फोर्चून बेसल्स वर्सेस साइलेंट स्ट्राइकर के बीच में। जानेंगे इस वीडियो में कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, कौन सी टीम मुकाबला अपने नाम करने वाली है, जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो गाइस सीधा बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो गाइस सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मैच के बारे में, ये मैच कब, कहां और कैसे होने वाला। तो देखो गाइस, ये वाला मैच होने वाला 17 फरवरी को 1 बजे हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और कहां होएगा, जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम बांग्लादेश में होने वाला है। बात करें सबसे पहले ये जो स्टेडियम है, इस वाले स्टेडियम की पिच रिपोर्ट क्या है, इस पे पिच कितने मैचेस खेले जा चुके, इस पे पिच रिपोर्ट क्या है, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। तो देखो सबसे पहले तो बात करते हैं वेदर की। तो देखो यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर रहने वाला है, यानी कि अच्छा खासा हम लोगों को एक सनी वेदर देखने के लिए मिलने वाला है। बात करें फर्स्ट बैटिंग और फर्स्ट बॉलिंग की, तो देखो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 45% चांस रखती है जीतने की, और 55% चांस रखती है बॉलिंग, यानी कि जो भी टीम पहले बॉलिंग करने उतरती है वो जीतने के चांस ज़्यादा रखेगी इस पिच पर। बात करें एवरेज इनिंग्स की, तो देखो एवरेज इनिंग्स में यहाँ पर 167 का फर्स्ट एवरेज इनिंग स्कोर है, 151 का सेकंड एवरेज इनिंग स्कोर है, यानी कि ओवरऑल हम लोगों को देखने के लिए ये मिल सकता है कि भाई यहाँ पर लगभग 150 से 160 के बीच में रन देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि एक अबव एवरेज यहाँ पर पिच है। तो फाइनली ये बात करते हैं दोनों ही पिच के बारे में, दोनों ही टीमों के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले 5 मुकाबलों में कौन कौन क्या क्या परफॉर्मेंस देकर आ रहा है, दोनों ही टीमों में कौन सी टीम मुकाबला नाम करने वाली है। देखो सबसे पहले बात करते हैं 5 मुकाबलों की, पिछले 5 मुकाबलों में क्या क्या करके आ रही है दोनों ही टीम। तो देखो पिछले 5 मुकाबलों में साइलेंट स्ट्राइकर 5 खेली 3 जीती, वहीं यहाँ पर फोर्चून बेसलर 5 खेली और 4 जीती, यानी कि यहाँ पर फोर्चून बेसलर मुझे ना थोड़ी सी पावरफुल नजर आ रही है, क्योंकि लास्ट के 2 जीत करके आ रही है, यानी कि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट है इस टाइम, अच्छी खासी पावरफुल टीम बन दिख रही है मेरे को यहाँ पर फोर्चून बेसलर्स। लेकिन यहाँ पर हेड टू हेड पे भी एक बार ज़रा नजर डालते हैं, हेड टू हेड में क्या करा है दोनों ही टीमों ने। देखो हेड टू हेड की बात करें तो देखो साइलेंट स्ट्राइकर और फोर्चून बेसलर्स दोनों के बीच में 4 मुकाबले हैं, जिसमें दोनों ने 2-2 मुकाबले अपने नाम करे, यानी कि जब जब इन दोनों का आमना सामना होना तब तब इन दोनों ने आपस को एक दूसरे को टक्कर दिया है, बढ़िया वाले बराबरी की टक्कर दी है यहाँ पर दोनों ही टीमों ने एक दूसरे को। तो मेरे को यहाँ पर साफ ये चीज़ नजर आ रही है दोनों ही टीम ना पावरफुल है, लेकिन ज़्यादा पावरफुल कौन है, कौन यहाँ पर ही मुकाबला लेकर के जाएगी, पहले एक बार उससे बताने से पहले जरा पॉइंट टेबल पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखो पॉइंट टेबल पर जरा नजर डालते हैं, देखो पॉइंट टेबल में मेरे को यहाँ पर ये चीज़ नजर आ रही है, साइलेंट स्ट्राइकर ने 6 पॉइंट बना रखे हैं और फोर्चून बेसलर ने 10 पॉइंट बना रखे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है ना साइलेंट स्ट्राइकर इस मैच को जीतने के लिए थोड़ी जान लगेगी, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर खींचना चाहेगी, तो इसीलिए ना मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ये जो मुकाबला है साइलेंट स्ट्राइकर अपने नाम करने वाली है, क्योंकि भले ही वो लास्ट मुकाबला हार करके आ रही है, पर पिछले कुछ मैचों की जो मैं परफॉर्मेंस देखता आ रहा हूँ तो काफ़ी ठीक ठाक चल रही है, यानी कि बेकार भी नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं कहेंगे। और फोर्चून बेसलर ने जो कॉन्स्टेंट रहे, मतलब जैसा इस मैच खेली है वैसा ही मैच अगले मैच खेल रही है वो, तो इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है इंप्रूव करने वाली टीम ना जीत सकती है, यानी कि साइलेंट स्ट्राइकर जो ना खुद पे खुद इंप्रूव करती आ रही है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये मुकाबला साइलेंट स्ट्राइकर अपने नाम करने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है, साइलेंट स्ट्राइकर जीतेगी, हाँ या ना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना मत भूलना। अगर जो वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।